जहां बीजे मेडिकल कॉलेज में नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो चुका है। उस समय एक रुपये की कीमत एक डॉलर के बराबर होती थी। जो हर दिन गिरते ही चले जा रहे हैं, गिरते ही चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, यह देश जब आजाद हुआ उस समय एक रुपये की कीमत एक डॉलर के बराबर होती थी। देश जब आजाद हुआ तब डॉलर और रुपये की कीमत दुनिया के अंदर समान थी मित्रों। आज रुपये की कीमत दिनों दिन टूटती चली जा रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से भारत के वित्त मंत्री की उम्र के तक पहुंच जाएगी। एक डॉलर 60 रुपये और वो भी जब देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के विद्वान है। ये कौन सा अर्थशास्त्र भाइयों बहनों, ये कांग्रेस एक ऐसी धारा है कि अच्छे से अच्छा अर्थशास्त्री भी अनर्थशास्त्री बन जाता है। एक कांग्रेस की धारा ऐसी है कि वहां कोई भी गया वो तबाही के रास्ते पर ही चल पड़ता है और देश को चलने के लिए मजबूर करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब तक हम कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण नहीं करेंगे यह देश समस्याओं से मुक्त नहीं होगा। यह देश संकटों से मुक्त नहीं होगा। कोई मुझे बताए, 125 करोड़ का देश, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, पूरे विश्व में इतनी बड़ी खरीद शक्ति रखने वाला देश, उसकी तुलना में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, छोटे छोटे देश, उनकी करेंसी टूट नहीं रही है, उनकी करेंसी की ताकत गिर नहीं रही है। क्या कारण है? अकेले हिंदुस्तान का रुपया बाजार में अपनी साख खो रहा है, अपनी ताकत खो रहा है। मित्रों, रुपया ताकत इसलिए खो रहा नहीं है कि रुपये का साइज बदल गया है। रुपया ताकत इसलिए नहीं खो रहा है कि रुपये की डिजाइन बदल गई है। रुपया ताकत इसलिए खो रहा है कि दिल्ली में बैठे हुए लोग खाने में लुटाने में इतने डूबे हुए हैं कि उनको देश के रुपये को बचाने की फुर्सत नहीं है और उसके कारण यह हालत बनी। मैं दिल्ली की सरकार से और मैं देश के मीडिया से भी प्रार्थना करता हूं, मैं देश के अर्थशास्त्रियों से प्रार्थना करता हूं, मैं देश के पॉलिटिकल पंडितों से प्रार्थना करता हूं, अगर आप इतने स्वतंत्र हैं, अगर आप इतने सामर्थ्यवान हैं, अगर आप लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो एक बार तो कांग्रेस के नेताओं को पूछो तो सही,
उनकी अध्यक्षा को पूछो तो सही कि आपने 35 साल पहले गरीबी हटाने का नारा दिया था, उस काम का क्या हुआ, कोई तो हिसाब मांगो। मेरे पुणे के भाइयों बहनों मुझे बताइए, क्या कांग्रेस ने हिसाब देना चाहिए कि नहीं, कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए कि नहीं। गरीबी हटाने का वादा किया था, वादा निभाया, क्या देश के साथ ये धोखा नहीं है, ये देश के साथ विश्वासघात नहीं है। और इतना ही नहीं, बेशर्मी की सीमा देखी कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी में शर्म नाम का कोई एक बूंद भी, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। जिन्होंने गरीबी हटाने का नारा दिया था, इस देश का गरीब, गरीबी से मुक्ति मिलेगी, इसके लिए बेचारा आशा के साथ कांग्रेस के डिब्बे भरता रहा, बटन दबाता रहा, पंजा कंधों पर लेकर के घूमता रहा। और अब क्या आया, कांग्रेस के लोगों ने इनडायरेक्टली स्वीकार कर लिया है कि गरीबी हटाना हमारे बस का रोग नहीं है, हम गरीबी नहीं हटा सकते हैं। अब क्या करेंगे, गरीबी तो नहीं हटा सकते। मित्रों, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े किले हुआ करते थे। और आज जब उनकी पांचवी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी जो जिंदा है, वो कभी यार दोस्तों को ले जाते हैं उन खंडहरों को दिखाने के लिए, देखिए हमारे दादा के दादा के दादा राजा महाराजा थे, ये महल उस जमाने में बना था, ये खंडहर है, आपको दिखाने ले जाता हूं, ये किला उनके जमाने में बना था, मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूं, अपने पूर्वजों के पराक्रम को दिखाने के लिए, वर्तमान पीढ़ी के राजा महाराजाओं के परिवार के लोग अपने परिचितों को, विदेश के मेहमानों को ले जाते हैं। भाइयों बहनों, उस परंपरा को कांग्रेस पार्टी भी निभा रही है। इस देश को सरकार देने वाले प्रधानमंत्री पद एक ही परिवार के लोग बैठे हुए, उनका पराक्रम है लोगों को गरीब रखना, गरीबी बढ़ाना। और इसलिए उनके शहजादे गरीबों के घर में जाकर के रात गुजारते हैं, मीडिया वालों को बुलाते हैं कि ये मेरे पूर्वजों का पराक्रम देखिए, ये मेरे पूर्वजों का पराक्रम देखिए, देखिए हमने क्या किया है, ये काम कर रहे हैं। मित्रों, इतना ही नहीं मित्रों, उन्होंने गरीबी हटाने के लिए कहा था, गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीब को कांग्रेस के शासन में दो टाइम भोजन भी असंभव हो गया। और इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस बात को स्वीकार करना पड़ा है कि कांग्रेस ने तय किया है कि गरीब की थाली में चपाती दे पाए या न दे पाए।